सो हे गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो और दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना भी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच आवर एक साल के अंदर अंदर में कंप्लीट नहीं किया, तो दोस्तों एक साल के बाद आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, आपका जो वॉच टाइम है, आपका जो सब्सक्राइबर है वो काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूं। उस वीडियो को देखने के बाद गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये 1000 सब्सक्राइबर है और ये 4000 जो पब्लिक वॉच आवर है, इसका क्या फंड है। तो दोस्तों यहां से मैं अभी आपको एक यूट्यूबर का वीडियो दिखाने वाला हूं जो कि है नित्या के सपोर्ट, नित्या भाई का है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां से मैं वीडियो प्ले करता हूं। बात करते हैं कि चैनल जो है पुराना हो चुका है, 1 साल हो गए हैं या फिर 6 महीने 7 महीने हो गए हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि क्या अगर हम 1 साल के अंदर अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और यहाँ पे सब्सक्राइबर 1000 नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में होता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये रूल जो है ये रूल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर 1 साल के अंदर आपके चैनल पे 4000 घंटे और 1000 का सब्सक्राइबर नहीं पूरा होता है तो आपका चैनल का जो है वॉच टाइम जो है वो 0-0 हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी आपके जो है मायने नहीं रखे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता है या फिर अगला साल आता है तो फिर से आपका जो है, आप वॉच टाइम अगर वीडियो डालते हैं, अगर आपका वीडियो वायरल हो जाता है या फिर वीडियो चलना शुरू हो जाता है तो फिर से जो है आप अपने चैनल पे 4000 का घंटे का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मतलब कि तो दोस्तों आप लोगों ने तो ये वीडियो देख लिया और आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वॉच टाइम का क्या फंड है। लेकिन गाइज इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो पूरा गलत है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये क्यों गलत है, क्योंकि गाइज अभी तक यूट्यूब का ऐसा कुछ नियम ही नहीं है कि आपका जो 1 साल के बाद जो वॉच टाइम होगा वो 0-0 हो जाएगा, सब्सक्राइबर 0-0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ फंडा नहीं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूट्यूब का रूल है क्या। दोस्तों YouTube ने बताया है कि आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच आवर लास्ट 365 डेज के अंदर में आपको कंप्लीट करना होगा। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर तो आप जब भी कंप्लीट कर लो, 1 साल में या 1 साल के बाद भी कंप्लीट कर लो, कितना दिन में भी कंप्लीट कर लो, उसका तो कोई मायने नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां बात आ जाती है 4000 पब्लिक वॉच आवर की। तो दोस्तों ये जो 4000 पब्लिक वॉच आवर है वो आपको लास्ट 365 डेज में कंप्लीट करना होता है। दोस्तों मान लो कि अगर आप अपने चैनल पर 1 जनवरी 2021 से वीडियो अपलोड करना है स्टार्ट कर दिए हो और दोस्तों 1 जनवरी 2022 तक आप अपना चैनल पर वीडियो अपलोड किए हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके चैनल पर 4000 पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब यही नहीं है कि आपका जो वॉच टाइम है वो 0-0 हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर मान लो कि फिर 1 जनवरी 2022 से वीडियो फिर स्टार्ट जो कर रहे हो, जो अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों उस पर जो वॉच टाइम आएगा वो काउंट होगा और दोस्तों 1 जनवरी जो 2021 है उसका वॉच टाइम घट जाएगा। यानी दोस्तों फिर उधर 2 जनवरी से घटेगा, इधर 2 जनवरी का बढ़ेगा, उधर 3 जनवरी का घटेगा, इधर 3 जनवरी का बढ़ेगा। यानी गाइज अगर आप आज मान लो कि दोस्तों आज 17 तारीख है तो आज जो 17 तारीख है 2022, 17 फरवरी 2022, तो दोस्तों पिछले साल 17 फरवरी 2021 से इस 17 फरवरी 2022 तक का वॉच टाइम काउंट होगा। अगर मान लो कि कल 18 हो जाएगा तो फिर उधर का जो 17 है वो उसका जो वॉच टाइम 17 तारीख को जो भी वॉच टाइम बना था वो वॉच टाइम घट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से वॉच टाइम काउंट होता है, ना कि गाइज आपके पूरा 1 ईयर का ही वॉच टाइम हटा दिया जाएगा। जैसे जैसे इधर दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उधर से दिन का घटता जाएगा और उधर का वॉच टाइम वैसे वैसे घटता जाएगा। उस दिन में जो भी आप वॉच टाइम क्रिएट किए थे, जो भी वॉच टाइम गेन किए थे, वो वॉच टाइम घट जाएगा और ये इधर जो वॉच टाइम अभी आप बना रहे हो ये वॉच टाइम ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको लास्ट 365 डेज में आपको 4000 पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वॉच टाइम वाला जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर दोस्तों वो फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों मैं आपको इसे कॉपी पर लिख कर एकदम कॉपी पर एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों अब आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।